अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? वालेकुम सलाम। और तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? एक रात में तो थकन भी नहीं उतरती सफर की। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? सास ससुर ने खातिर मदारत नहीं की? रोका नहीं तुम्हें? उन्हें नहीं पता कि हम आ गए। क्यों नहीं पता? ऐसा क्या हो गया जो यो रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर निकल आए हो? कुछ काम था यहाँ पे, यहाँ कुछ लोगों से मिलना था। वकास को अच्छा नहीं लगा होगा यूं अचानक तुम्हारा जाना। ये चोरी छुपे क्या जरूरत थी? जैसे कुछ चोरी पकड़ी गई। तुम तो बता सकती थी अपने माँ बाप को। आप ही तो कहती हैं ये अब मेरे बाप का घर है, तो कराची वालों को क्यों बताकर आती हूँ? खैर गई तो तुम बड़े हक से थी। हक तो सारे आप लोगों ने छीन लिए। तो माहौल की गर्द झाड़ने के लिए इधर उधर चली जाती हूँ ताकि दिल लगा रहे मेरा। क्या बात है, बहुत जली कटी बातें कर रही है तुम्हारी बीवी है। तो इसमें नया क्या है? घर छोड़े, कुछ लोग आए गांव से मिलने, मिलकर आता हूँ। हेलो माँ, माँ प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे माफी मांग भी चुकी हूँ, देखे ना कब से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। तुम अपनी फजूलियात की वजह से वहाँ पड़ी हो। ना कोई केस, ना कोई अदालत, आपने तो बस सीधा मुझे सजा सुना दी। ये तो मुझ पर जुल्म है। हया, अगर तुम पर कोई केस चलता तो अदालत होती मुर्तसिम की, और फिर तुम्हें जो अदालत सजा सुनाती वो तुम सोच भी नहीं सकती। अभी तुम्हारी सजा बहुत कम है, सिर्फ तुम्हें गांव में भेजा गया है और बस। और माँ बेगम वो तो आजाद घूम रही है, एक मैं हूँ जो यहाँ पर सड़ रही है। माँ देखें, आपको शायद मैं याद नहीं आती होंगी, लेकिन मुझे आप और मरियम दोनों बहुत याद आते हैं। आप मुझे जो कहेंगी, माफी मांगने को कहेंगी, पाँव पड़ने को कहेंगी, मैं सब कर लूंगी, बस मुझे यहाँ से वापस बुला ले। अच्छा अच्छा बुला लूंगी किसी वक्त। कब बुलाएंगी? तब जब तुम्हारा बंदोबस्त कर लूंगी। बंदोबस्त? खुदा हाफिज माँ।